दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जियोपैथिक स्ट्रेस। अगर आपके भी घर में किसी वास्तु कंसल्टेंट ने जियोपैथिक स्ट्रेस बता दिया है दोस्तों, कोई रॉड आपको लगाने को दे दी है, कोई पिरामिड आपको लगाने को दे दिया है, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर है। दोस्तों, अगर आप भी शिकार हुए हैं किसी कंसल्टेंट का कि आपने किसी वास्तु कंसल्टेंट को अपने घर पर बुलाया, वो कुछ स्कैनर लेके आया और उसने आपके घर में आके बता दिया कि यहाँ तो जियोपैथिक स्ट्रेस है, किसी के विंडो में जियोपैथिक स्ट्रेस निकल रहा है दोस्तों, किसी के डोर में निकल रहा है, किसी के किचन की स्लैब के नीचे जियोपैथिक स्ट्रेस बता दिया दोस्तों। अगर आप भी किसी ऐसी ही चीज़ का शिकार हुए हैं दोस्तों, अगर आपके भी घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है इसी तरीके का, और आपने भी अगर रॉड्स लगानी हैं या आपको किसी ने रिकमेंड कर दी हैं दोस्तों रॉड, या आपको पिरामिड किसी ने रिकमेंड कर दिया है कि ये जियोपैथिक स्ट्रेस से आपको बचा लेगा पिरामिड, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जब भी आप घर में जियोपैथिक स्ट्रेस चेक कराते हैं तो आपके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले जो भी कंसल्टेंट आप बुला रहे हैं अपने घर पर, ध्यान दीजिए कि वो जियोपैथिक स्ट्रेस ढंग से चेक कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि जब भी आप किसी कंसल्टेंट को अपने घर पे बुलाते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस चेक कराने के लिए या वास्तु करने के लिए, और वो कहता है कि वो जियोपैथिक स्ट्रेस भी चेक करता है, तो दोस्तों आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। उनमें से सबसे पहली बात है कि आपको ये ध्यान देना चाहिए कि वो कंसल्टेंट ठीक से जियोपैथिक स्ट्रेस चेक कर भी रहा है या नहीं। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि आप कैसे जान पाएंगे, आप कैसे पता लगा सकते हैं कि वो कंसल्टेंट जियोपैथिक स्ट्रेस ठीक से चेक कर रहा है या नहीं, वो सच्चा कंसल्टेंट है या झूठा कंसल्टेंट है। जियोपैथिक स्ट्रेस चेक करने के लिए कंसल्टेंट्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्कैनर यूज़ करते हैं। कुछ स्कैनर जो होते हैं वो मैनुअल स्कैनर होते हैं, कुछ होते हैं जो डिजिटल होते हैं। कोई भी अगर कंसल्टेंट आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस चेक कर रहा है तो आपको उससे ज़रूर पूछना चाहिए कि हमारे घर में कौन से टाइप का जियोपैथिक स्ट्रेस है। दोस्तों, अब तक 21 तरीके के जियोपैथिक स्ट्रेस के टाइप्स मिल चुके हैं, पता लग चुका है, और अगर वो सच्चा कंसल्टेंट होगा तो वो आपको जियोपैथिक स्ट्रेस का टाइप ज़रूर बताएगा, और आपको ज़रूर पूछना चाहिए कि कौन से टाइप का जियोपैथिक स्ट्रेस हमारे घर में मिला है। क्योंकि दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जियोपैथिक की स्ट्रेस की डिफरेंट डिफरेंट रेमेडीज़ होती हैं, सेम रेमेडी हर जियोपैथिक स्ट्रेस की नहीं होती दोस्तों। दूसरी चीज़ जो आपको पता करनी है दोस्तों उससे, कि पहली चीज़ आपने पता करी कि टाइप क्या है, और दूसरी चीज़ आपको पता करनी है दोस्तों कि वो किस लेवल का जियोपैथिक स्ट्रेस है। कुछ लेवल ऐसे होते हैं, लेवल 1, 2, 3, 4, 4 लेवल में जियोपैथिक स्ट्रेस होता है। अगर लेवल 1 और 2 का जियोपैथिक स्ट्रेस आपके घर के नीचे है तो आपको कोई भी रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है, वो जियोपैथिक स्ट्रेस इंसानों को हार्म नहीं करता। अगर लेवल 3 और 4 का जियोपैथिक स्ट्रेस आपके घर के नीचे है दोस्तों, वो नुकसान देता है। ये भी पता करें दोस्तों कि वो कौन से टाइप का है। सबसे पहली चीज़ आपको टाइप पता करनी है, दूसरी चीज़ आपको लेवल पता करना है दोस्तों। ये ज़रूर पता करें, क्योंकि जिस भी कंसल्टेंट के पास झूठा स्कैनर होगा, जो भी फेक वास्तु कंसल्टेंट होगा, जो भी फेक जियोपैथिक स्ट्रेस चेक कर रहा होगा दोस्तों, वो आपको नहीं बता सकता कि वो कौन से टाइप का जियोपैथिक स्ट्रेस है और कौन से लेवल का जियोपैथिक स्ट्रेस है। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस बात का, क्योंकि दोस्तों मैनुअल स्कैनर जो भी होता है, जब भी कोई कंसल्टेंट मैनुअल स्कैनर यूज़ कर रहा होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की एनर्जी स्कैन करता है, और कई बार वास्तु कंसल्टेंट उन्हीं एनर्जीज को गलत समझ लेते हैं। तो अर्थ से 3 से 4 तरीके की वाइब्रेशंस निकलती हैं, कई बार किसी जगह पे वो ज़्यादा होती हैं, किसी जगह पे कम होती हैं। बहुत बार कंसल्टेंट्स ऐसी गलती कर देते हैं कि वो उन अर्थ की वाइब्रेशंस को जियोपैथिक स्ट्रेस समझ लेते हैं। किसी भी जगह पे ज़्यादा वाइब्रेशंस भी अगर आ रही होती हैं तो वो कंसल्टेंट्स मैनुअल स्कैनर जो भी यूज़ कर रहा है, वो कंसल्टेंट ज़रूर उसको जियोपैथिक स्ट्रेस का नाम देगा दोस्तों। तो ध्यान रखिए कि अगर कोई भी कंसल्टेंट मैनुअल स्कैन कर रहा है
वो आपको कभी नहीं बता सकता कि वहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस कौन से टाइप का है और कौन से लेवल का है। वो मैनुअल स्कैनर दोस्तों यूज़ होता है सिर्फ अर्थ की और आसपास की एनर्जीज को, जो पैरेलल वाइब्रेशंस जिसे बोलते हैं, उनको स्कैन करने के लिए, उस जगह की नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को स्कैन करने के लिए मैनुअल स्कैनर यूज़ होता है दोस्तों। मैनुअल स्कैनर से जियोपैथिक स्ट्रेस स्कैन नहीं होता। और सेकंड जो चीज़ आती है दोस्तों वो है रॉड्स, जो वास्तु कंसल्टेंट लगवा रहे हैं, 5,000 की रॉड, 10,000 की रॉड, 20,000 की, अलग अलग रेट रेंज बना रखी है दोस्तों कंसल्टेंट ने। जियोपैथिक स्ट्रेस कभी भी रॉड से ठीक नहीं होता दोस्तों। आप खुद एक छोटी सा एग्जांपल लीजिए दोस्तों कि किसी भी कंसल्टेंट ने आपको बता दिया कि आपके ड्राइंग रूम के नीचे जियोपैथिक स्ट्रेस है या आपके बेड के नीचे जियोपैथिक स्ट्रेस है, एक रॉड उसने आपके बेडरूम के एक कोने पे लगाई, दूसरी दूसरे कोने पे लगाई, और जियोपैथिक स्ट्रेस है वो पूरा लाइन में चलता है दोस्तों। तो जितना स्ट्रेस यहाँ पे आ रहा है उतना ही स्ट्रेस यहाँ आ रहा है और उतना ही स्ट्रेस पूरे एरिया में जा रहा है। अगर वो आपके बेडरूम में या आपके घर में एक कोने में एक रॉड लगाएगा, दूसरे कोने में दूसरी रॉड लगाएगा दोस्तों, बीच के एरिया का जियोपैथिक स्ट्रेस कैसे ख़त्म होगा? ये इलॉजिकल है दोस्तों। आपको ऐसे फेक कंसल्टेंट से, जो भी आपको रॉड बेच रहे हैं, ऐसों से बचना चाहिए। और अगर सच में कोई ढंग से रॉड लगा रहा है दोस्तों, तो वो आपको पहले टाइप बताएगा जियोपैथिक स्ट्रेस की, वो आपको लेवल बताएगा स्ट्रेस का कि ये टाइप है, ये लेवल है, और इसकी ये रेमेडीज़ आप कर सकते हैं दोस्तों। जियोपैथिक स्ट्रेस लेवल 3 का, कुछ टाइप का जियोपैथिक स्ट्रेस ऐसा भी होता है जो नॉर्मल कॉपर की, जो 10 रुपये की आपकी तार आती है, उससे भी ठीक हो जाता है, उससे भी क्योर हो जाता है। तो उस कंसल्टेंट से ज़रूर कंसल्ट करें कि ये स्ट्रेस के लिए क्या क्या रेमेडीज़ यूज़ हो सकती हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगली बार से जब भी आप अपने घर में वास्तु कराते हैं या जियोपैथिक स्ट्रेस चेक कराते हैं, इन बातों का। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।